राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज की कथा बहुत ही हास्यप्रद है, जिसे सुनकर आपको अच्छा तो लगेगा ही और साथ में हंसी भी आएगी। तो कथा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कथा को अधूरा छोड़कर प्लीज़ भगवान का अपमान ना करें। आप कोई भी कथा सुने, उसे पूरी ज़रूर सुने। तो गणेश जी का नाम लेते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए जय श्री गणेशा और साथ में हुकार भरते रहिए। हुकार भरने से आपको कथा का पुण्य जरूर मिलेगा। तो एक बार की बात है, एक लड़की थी जो थोड़ी सी चंचल थी। चंचल होने के साथ अगर हम उसे यूं कहें कि बहुत ज़्यादा भोली थी। इतनी भोली थी कि गाँव के लोग उसे बावली कहा करते थे और इस वजह से उसका नाम ही बावली पड़ गया। अब बावली को भूख बहुत लगती थी, इसीलिए वह भूखी तो बिल्कुल नहीं रह सकती थी। उसने आज तक कभी कोई व्रत पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो भूखी रहेगी तो उसे व्रत होते नहीं, और उसने सोच रखा था कि व्रत करूँगी तभी पूजा करूँगी। अब ऐसे ही उसके दिन निकलते गए और कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। ससुराल वालों को शादी के बाद पता चला कि ये तो वही बावली है जिसके बारे में हमने सुना था। हे भगवान, हम किसको उठा लाए। अब सास ने ठान ली कि मैं अपनी बहू को सुधार के रहूँगी। अब सास ने सोच तो लिया, पर करती क्या। सास ने बहुत कोशिश की, इतनी कोशिश करी पर बहू समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सास ने सोचा अब इसको पूजा पाठ में तो नहीं लगा सकी, कम से कम आज गणेश चतुर्थी है, आज के दिन तो इससे व्रत करवा लूँ। और यही सोचते हुए वह अपने कमरे में गई। वहाँ से वह छोटी सी कील लेके आई और उसने उस कील से मटकी में छेद कर दिया। अब मटकी में छेद होने के बाद वह बहू के पास गई और कहा, अरे बहू सुन, तुझसे एक काम है। बहू ने कहा, माँ जी मैं खाना बना लूँ, कुछ खा लूँ, उसके बाद आपका काम करूँ। पर सास ने कहा कि अरे नहीं, खाना तू पानी भरने के बाद ही खाना। ये ले मटकी, इससे जाकर पानी भर ले और उसके बाद तू खाना खा लेना। बहू को लगा कि ये काम कर ही लेती हूँ। जब वह पानी लेने गई तो वह पूरी भीग गई। उसे समझ में आ गया था कि मटकी में सुराख है, और उसे ये भी समझ में आ गया था कि सासू माँ नहीं चाहती कि आज वह खाना खाए, इसीलिए सासू माँ ने मटकी में छेद किया है। अब उसने साबुन उठाई और मुल्तानी मिट्टी को आपस में मिलाया और उस छेद में भर दिया। अब वह आराम से पानी भर सकती थी, पर उसने एक घड़ा लिया और एक घड़े को भर के वह चली गई। और साथ में जब वह दोबारा दूसरा घड़ा भरने आई तो उसने किया, रसोई में गई, आटा लिया, नमक लिया और अपने पल्लू में बांध लिया, और अब वह वहाँ से निकल गई। अब उसे भूख तो बहुत लग रही थी, इसलिए उसने घड़े को पानी से भरा और कुछ दूर जाकर उसने देखा कि मुर्दे की जली हुई आग जल रही है। तो अब उसे भूख लग रही थी, अब उसने कुछ नहीं सोचा कि ये कोई मुर्दा है जिसे जलाया गया है, उसे सिर्फ आग दिख रही थी। उसने आटा गूँथा, जो पानी लाई थी उसके साथ आटा गूँथ लिया, और उसी आग में उसने बाटियां सेक ली। अब बाटी सेकने के बाद अब उसको खाए किससे, प्रॉब्लम तो हो ही गई ना, किससे खाएगी। तो वो कुछ दूर चलती रही, उसने गणेश जी का मंदिर देखा। अंदर आई तो गणेश जी के मंदिर में कुंडे में घी रखा हुआ था। अब उसने देखा घी, तो सोचा कि घी से खा लूँ, और उसने बाटियों को उठाया और घी में डाल दिया। गणेश जी देखते रहे कि मुर्दे पे सेक के बाटी लाई है और लोग मुझे चढ़ाते हैं और ये मेरा चढ़ा हुआ खा रही है, कमाल की औरत है। उसने बाटी को ली और खाना शुरू कर दिया। खाते खाते उसने देखा मूर्ति की तरफ और कहा, तू भी खाएगा, ले खा ले। ऐसे बोल के उसने खाते हुए बाटी को वहीं रख दिया और बाकी बची हुई बाटियाँ खुद खा ली, और वह वहाँ से चली गई। अब गणेश जी ने सोचा, यार ये क्या किया इसने, एक तो खुद की बाटी लाके मेरे यहाँ चढ़ा दी, मेरा घी ले गई,
ऊपर से मुझे कह रही है तू भी खा ले, इसको तो बताना पड़ेगा। पर यार ये तो बावली है, इसे क्या बताऊं? अगर इसको कुछ करूंगा भी सही ना तो लोग कहेंगे कि क्या किया गणेश ने। चल जाने देता हूँ, पर इतनी आसानी से छोड़ूंगा भी नहीं, सबको पता चलना चाहिए। गणेश जी ने अपनी उंगली उठाई और मुंह पे रख ली। अब ये बात गांव में फैल गई कि गणेश जी ने अपने मुंह पर उंगली रख रखी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाया गया, लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए और सबसे कहा गया कि जो गणेश जी के मुंह से उंगली उठटवा देगा उसको हम बहुत सारा इनाम देंगे, उसे एक महल बनवा के देंगे, ज़मीन जायदाद देंगे, खूब सारा धन देंगे। इसीलिए दूर दूर से लोग आने लगे। बड़े बड़े ज्ञानी आए, हवन किए, पूजा की, पाठ की, सारी प्रार्थनाएं करके देख ली, पर गणेश जी ने अपने मुंह से उंगली नहीं हटाई। और हटाते भी क्यों, वो तो चाहते थे ना कि सबको पता चले कि हुआ क्या है। अब एक दिन बावली बोली कि सासू माँ आप कहो तो मैं गणेश जी के मुँह से उंगली हटा दूँ। तो सासू माँ ने कहा जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा ये काम नहीं कर सके तो तू कहाँ से करेगी। पर बहू तो जिद पे अड़ी थी, उसने कहा सासू माँ एक बार कर तो दे दो। ये बात गांव के सरपंच ने सुन ली और सरपंच ने कहा सबको एक एक मौका मिला है तो इस बावली को भी एक मौका मिलना चाहिए, क्या पता ये गणेश जी के मुँह से उंगली हटवा दे। अब बावली कहती है कि मुझे एक लंबा सा कपड़ा ला कर दो जिसमें मैं पूरी ढक जाऊं। सरपंच ने बावली की बात मान ली। अब और आगे वो कहती है कि ढोल और पताशे लेके आओ, ढोल नगाड़े बजाओ, पताशे बांटो और बांटते हुए नाचते गाते हुए मंदिर चलते हैं। अब वह कपड़े के अंदर ढक कर नाचते गाते हुए मंदिर की तरफ निकल पड़े। बहुत सारे लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे। अब गणेश जी ने देखा कि इतने लोग नाचते हुए क्यों आ रहे हैं, ज़रूर मुझे मनाने आ रहे होंगे। अब गणेश जी सोचने लगे कि सब नाचते नाचते आएंगे और मुझे मनाएंगे और फिर मैं देखता हूँ कि मानता हूँ या नहीं मानता। अब ये चीज़ ऐसे ही चलती रही। अब वो सारे लोग मंदिर के बाहर आ गए। अब बावली उनसे बोलती है कि तुम सब यहीं रहो, बस आगे सिर्फ मैं जाऊँगी, अंदर हमारे बीच क्या बात होती है, मैं क्या करती हूँ, पूजा करती हूँ, हवन करती हूँ, वो सिर्फ गणेश जी जाने और मैं जानूँ। तो सरपंच ने उसकी बात मान ली और वह मंदिर में आई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब गणेश जी ने सोचा लो अब ये कौन आई है। बावली ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया तो गणेश जी ने देखा ये तो बावली आई है, इसने दरवाज़ा क्यों बंद किया है। अब सबको पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या था। तब बावली गणेश जी से बोलती है क्यों रे गणेशा, तेरा क्या बिगाड़ दिया मैंने, आटा लाई मैं अपने घर से, पानी लाई मैं अपने घर से, और तो और मुर्दे की आग पे जाके सेक भी लिया तो अभी वो मर्दा कुछ नहीं बोला मुझे। तेरी कुंडी में से थोड़ा सा घी क्या ले लिया तो मुंह पर उंगली लगा के बैठ गयो है। पूरे गांव में तूने बता दिया है कि तू रूसा हुआ है और इस गांव में नहीं आगे आने वाले 100-200 गांव में पता है कि तू रूस के बेटा है। अब बता क्या करूँ मैं तेरा। अब गणेश जी चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। अब गणेश जी ने सोचा कि अब इसको तो बोलूँ ही क्या, ये तो बावली है, इसका क्या ही करूँ मैं, इसको अगर परेशान भी करूँगा तो भी सब ऐसे देखेंगे बेचारी भोली भाली औरत है, मैंने इसको परेशान किया, इसने कोई पाप भी नहीं किया कि मैं इसको सजा दूँ, बस मैं तो नाराज़ होके बैठा हूँ वो भी इससे। अब बावली ने अपने पीछे से डंडा निकाला, कपड़े में छुपा के लाई थी ना, डंडा निकालते हुए बोलती है रे तू अपने मुँह से उंगली हटाता है कि मैं लगाऊँ एक लटकी, और सच बता रही हूँ कोई नहीं है यहाँ पे, मैं तेरी मूर्ति को तोड़ ही डालूँगी और हाथ नहीं हटाया ना तो तेरी उंगली तो ज़रूर तोड़ डालूँगी। अब गणेश जी ने सोचा लो ये मेरी उंगली तोड़े उससे अच्छा है कि मैं हाथ हटा लूँ, और गणेश जी ने उसकी बात सुनते ही टप अपना हाथ हटा के अपनी जगह पे रख लिया। उसके बाद बावले ने कहा ऐसे ही बात माननी थी ना। बावले ने दरवाज़ा खोला और सबको कहा कि देखो देखो देखो
गणेश जी ने अपने मुंह से उंगली हटा ली। गणेश जी सोच में पड़ गए कि ना तो मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, मैं इसको सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि एक भोले भाले इंसान को मैं सजा किस गलती की दूँ, और ये तो वैसे भी बावली है, जो कुछ कर रही है अपने भोलेपन में कर रही है, तो इसको सजा देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिरकार अपने भोलेपन से ही, अपनी मासूमियत से ही इसने आज बहुत कुछ हासिल कर लिया। गणेश जी ये सोचकर खुश थे। अब उस बावली को बहुत सारा धन मिला, भवन मिला, एक बहुत सारा बड़ा राजमहल में बना के दिया गया उसको, और वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। अब तो बावली की सास भी उसे बावली कहकर नहीं बुलाती थी। इस प्रकार एक भोले भाले इंसान की भगवान ने मदद की। वह इंसान जो कभी उनकी पूजा नहीं करता था, फिर भी वो भोला था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, इसीलिए भगवान श्री गणेश ने उसका बुरा नहीं किया, उससे नाराज हुए, नाराज होकर भी उसका बुरा नहीं किया, और ये हास्यप्रद कथा इस तरह समाप्त हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बावली का भला किया, उससे नाराज होकर भी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही सभी पर बनाए रखें।